शांतिपूर्ण प्रदर्शन व महाधरना कर रहे नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर सैकड़ों नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों ने विरोध मार्च किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। पुतला दहन बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किया गया। शिक्षक नेताओं ने बताया कि हजारों की संख्या में रोहतास के शिक्षक पटना आंदोलन भाग लेने गए हुए थे, जिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर पटना पुलिस के द्वारा निर्दोष निहत्ते और शांतिपूर्ण नियोजित शिक्षकों के ऊपर पानी बौछार, वायु गैस के गोले और कश्मीर के तर्ज पर पत्थरबाजी एवं लाठियों से बेरहमी पूर्वक पीटा गया। उन्होंने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन नियोजित शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है, जब तक शिक्षिकाओं का अधिकार नहीं मिलेगा यह संघर्ष जारी रहेगा। 18 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से पटना में जो शिक्षक द्वारा आंदोलन किया गया उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरुद्ध में आज हम लोग बिहार राज्य संघर्ष शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले संपूर्ण रोहतास जिला के शिक्षक साथियों के क्रांतिकारी आवाज के साथ आज हम लोग पुतला दहन नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे और हम मांग करते हैं कि हमारे आंदोलनकारी जितने शिक्षक अरेस्ट हुए हैं उनको बेइज्जत रिहा किया जाए। मैं वाहिद अनवर समिति के आह्वान पर पटना में शिक्षक अपनी मांगों की समर्थन में जुटे हुए थे, जिसमें पुलिस द्वारा शिक्षकों के ऊपर अत्याचार किया गया, जिस अत्याचार के विरुद्ध में हम लोग यहाँ आज पुतला दहन नीतीश कुमार का बिहार सरकार का कर रहे हैं और जब तक हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को प्रदर्शनकारियों को जब तक छोड़ नहीं लोग देते हैं बिहार में और ही उग्र तेज आंदोलन होगा और सारी विधि व्यवस्था को ठप करने का भी काम किया जाएगा।